सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस कप्तान अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बालूमाथ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेजेएमपी के एरिया कमांडर बाबूलाल गंजू को बालूमाथ थाना क्षेत्र के दोकर लच्छीपुर जंगल से धर दबोचा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जंगल में जेजेएमपी के उग्रवादियों का जमावड़ा लगा हुआ है। उग्रवादियों ने स्थानीय व्यवसायी से लेवी की रकम वसूलने को लेकर दहशत बना रहे हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेजेएमपी के एरिया कमांडर बाबूलाल गंजू उर्फ मरांडी जी को धर दबोचा। पुलिस को बाबूलाल के पास से 8 mm का 15 राउंड जिंदा गोली, 3.15 का जिंदा गोली, इंसास राइफल का एक मैगजीन व मोबाइल बरामद हुआ है। गिरफ्तार उग्रवादी बाबूलाल मरांडी के ऊपर हिरहन थाने में कई मामले पहले से भी दर्ज हैं। चंदवा से रोशन गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे लातेहार जिला बल की टीम ने जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर बाबूलाल गंजू उर्फ मरांडी को हमने अप्रिहेंड किया है। अब जिसे हम जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये पिछले कई वर्षों से अलग अलग उग्रवादी संगठनों में सक्रिय रहा है। ये बीच में टीपीसी में भी रहा, जेजेएमपी में भी रहा और कई अलग अलग थानों में, बल्कि दूसरे जिलों में भी इसके खिलाफ कई केसेस में ये वॉन्टेड भी है। तो इसके अरेस्टिंग से मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में जेजेएमपी को एक बड़ा झटका लगा है। क्या क्या बरामद किए हैं सर? इसके पास से हमें जिंदा कारतूस मिले हैं और मैगजीन मिले हैं, मोबाइल फोन मिला है। इनामी भी है सर? नहीं, ये अभी तक इस पर इनाम की घोषणा नहीं हुई, हालांकि एरिया कमांडर रैंक का है। सर गिरफ्तार कहाँ से हुआ सर? ये बालूमाथ क्षेत्र से। थैंक यू सर।